वित्तीय संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार ने बिजली के बाद अब पानी की रियायत को भी खत्म कर दिया है। शिमला सचिवालय में हुई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व सरकार द्वारा फ्री पानी दिए जाने के निर्णय को खत्म करते हुए पानी के कनेक्शन पर 100 रुपया महीना फिक्स किया गया है। इसके पीछे जल शक्ति विभाग में घाटे का हवाला दिया गया है, जबकि 50,000 से कम आय वाले लोगों, विकलांगों, एकल महिला को मुफ्त पानी में घुलता रहेगा। कैबिनेट ने आपदा प्रभावित 89 परिवारों के लिए सरकार अगले 3 महीनों तक मुफ्त राशन, सिलेंडर, ठहरने की व्यवस्था का सारा खर्च उठाएगी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों के लगभग 900 पदों को भरने का निर्णय लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा टांडा मेडिकल कॉलेज में 462 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने के निर्णय को भी मंजूरी दी है। कि जो हिमाचल प्रदेश में जो पानी के कनेक्शंस हैं, पानी के जो कनेक्शंस हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे पानी के कनेक्शन पे चार्जेस लिए जाते थे। शहरों में, अर्बन एरियाज में, एमसीज में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, एमसीज में आज भी जो है वो इनके चार्जेस, पानी के कनेक्शन के चार्जेस लिए जाते हैं। मगर क्योंकि 2022 में चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पानी के कलेक्शन, पानी के थे, कनेक्शंस थे, उनके चार्जेस को वेव ऑफ करके उसको ख़त्म कर दिया था। और उसकी वजह से जो है आईपीएच डिपार्टमेंट के ऊपर भारी लाइबिलिटीज़ जो है वो पड़ी हुई थी और पानी को सुचारू रूप से चलाने में आईपीएच डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही थी। हिमाचल प्रदेश में लगभग 800 करोड़ रुपए का जो बिल है वो पानी आईपीएच डिपार्टमेंट जो है बिजली के को देने पड़ते हैं। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो दोबारा से जो पानी के कनेक्शंस हैं उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। और चार्जेस में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में लोग हैं, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, एमएलएस है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, क्लास वन ऑफिसर्स है, जजेस हैं, ठीक, बड़े बड़े लोग हैं, इनकम टैक्स पे ही है, उनके ऊपर जो है वो 100 रुपये महीने के हिसाब से मंथली 100 रुपये महीने के हिसाब से जो पीने के कनेक्शन पे है चार्जेस वो लगाए जाएंगे। और कुछ कैटेगरीज़ को इससे बाहर रखा गया है, जिसमें से कि जिन लोगों की, गरीब लोगों की आय जिनकी 50,000 रुपये से कम है, विडोज़ है, डेसीच्यूट्स है, एकल नारी है, हैंडीकैप लोग हैं, उनके ऊपर जो है ये 100 रुपये महीने के पानी के टैप के चार्जेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है वो आज बहुत सारी पोस्टें जो है हिमाचल प्रदेश के जो बेरोज़गार है उनके लिए जो नौकरियों की जो है पोस्टें खोली गई है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में जो है वो 450 पोस्टें जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृत की गई है, जिसमें 310 जो है 300 के करीब नर्सिस हैं और 150 के करीब जो है पैरामेडिकल स्टाफ जो है रेडियोलॉजिस्ट है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है और क्लास 4 की पोस्टें हैं। और 22 पोस्ट जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग उसमें कुल की स्वीकृत की गई है। इसके अलावा आईजीएमसी शिमला और चम्याना, जो हमारा चम्याना सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए भी जो है 28 पोस्टें जो है वो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की क्रिएट की गई हैं। और इसके अलावा 400 पोस्टें जो है वो स्टाफ नर्स की जो है वो स्वीकृत की गई है और 61 पोस्टें जो है वो जो अलग अलग जो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, रेडियोलॉजिस्ट है, अलग अलग श्रेणी की जो है 61 पोस्टें खुल की स्वीकृत की गई है। तो ये सारी की सारी अगर पोस्टों को हम जोड़ ले
तो लगभग 900 के करीब पोस्टें जो है आज कैबिनेट ने जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है वो सेंक्शन की गई है। इसके अलावा जो है आज और 12 पोस्टें जो है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जो है वो सेंक्शन की गई है, और इसकी भर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है वो की जाएगी। इसके अलावा जो है 3 पोस्टें जो है हिमाचल सूचना आयोग में जो है स्टेनोग्राफर की सेंक्शन की गई है, और 5 पोस्टें जो है ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है वो सेंक्शन की गई है, जिसकी भर्ती हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू की जाएगी। और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में एक एनवायरमेंटल सेल है, क्रिएट किया गया एनवायरमेंटल सेल, उसके लिए भी 5 पोस्टें जो है अलग अलग श्रेणी की जो है वो कैबिनेट ने सेंक्शन की है। आज माइनिंग डिपार्टमेंट के भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो माइनिंग पॉलिसी है, नई माइनिंग पॉलिसी फरवरी 2024 में कैबिनेट ने स्वीकृत की गई थी, और अलग अलग श्रेणी के जो रूल्स हैं, रूल्स में अमेंडमेंट लाई है, और वो रूल्स को जो है आज कैबिनेट ने जो है विधिवत रूप से अपनी जो है अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा जो है 2 पोस्टें जो है डिविजनल कमिश्नर कांगड़ा के लिए क्लास 4 की पोस्टें सेंक्शन की गई हैं। 8 पोस्टें जो है एक नई सब तहसील मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, सब तहसील भरोली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, उसके लिए भी अलग अलग श्रेणी की जो है 8 पोस्टें सेंक्शन की गई है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।